दोस्तों, एक बाप और बेटी के रिश्ते को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, क्योंकि बेटी का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर परिस्थितियों में कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं कि पिता की संपत्ति पर आखिर बेटी का कब कब अधिकार होता है। दरअसल काफी पुराने समय से ये सोच चली आ रही कि मेरा बेटा ही मेरा वारिस बनेगा और मेरी सारी संपत्ति पर उसका ही अधिकार होगा। इस सोच में पूरी तरह से बदलाव होने में अभी काफी वक्त लगेगा। हालांकि दोस्तों, भारतीय कानून में ये बदलाव साल 2005 में ही हो गया था। यही वो साल था जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बदलाव किया गया, और तब से ही, मतलब साल 2005 से ही, बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पूरा हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया, राइट। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के संपत्ति के अधिकार को लेकर एक नया फैसला सुनाया। आखिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि जो बेटी अपने पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, उस बेटी का अपने पिता की धन संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि रिश्ता नहीं रखने पर बेटी अपनी शिक्षा और शादी के लिए भी पिता से किसी भी तरह के पैसे की मांग नहीं कर सकती है। बहुत बार ऐसा होता ना कि बेटियां खुद ही अपने लेवल पर लव मैरिज कर लेती हैं, बेटियां खुद ही भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ और अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ जाती हैं, फिर उन्हें पिता से कोई मतलब नहीं रहता। मतलब समाज में हमें कई इस तरह के केस देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में बेटी का पिता की धन संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, रिश्ता नहीं रखने पर बेटी अपनी शिक्षा और शादी के लिए भी पिता से किसी भी तरह के पैसे की मांग नहीं कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विवाहित जोड़े के तलाक की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। पूरा मामला क्या था? मौजूदा मामले में पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता और अपनी तलाक की गुहार लगाता। सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में पति पत्नी और पिता पुत्र के रिश्तों में सुलह की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। बेटी अपने जन्म के साथ ही माँ के साथ रह रही थी। अब वो 20 साल की हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में उसने अपने पिता को देखने तक से इनकार कर दिया था। बहुत बार हस्बैंड वाइफ के बीच कंट्रोवर्सी में भी बेटी के ये हालात पैदा हो जाते हैं कि बेटी को माँ के साथ रहना पड़ता है। फिर बेटी जब बड़ी हो जाती है, बेटी अपने शादी करके ससुराल चली जाती है, तो उस कंडीशन में भी पिता के साथ अगर बेटी का रिश्ता सही नहीं है तो पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस M.M. सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने फैसले में कहा कि बेटी 20 साल की है और वह अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर वह पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो वह अपने पिता के किसी भी पैसे की हकदार नहीं होगी, यहाँ तक कि शिक्षा और शादी के लिए भी पैसे की मांग नहीं कर सकती है। हालांकि पति होने के नाते पत्नी को उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बेंच ने कहा कि पत्नी के पास व्यवहारिक रूप से किसी भी तरह का पैसा और साधन नहीं है, और यह कि वह पत्नी अपने भाई के साथ रह रही है, उसका भाई और उसकी बेटी का खर्च उठा रहा, इसलिए पति अपनी पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में 8,000 रुपए हर महीने पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर देगा, या फिर वह कानूनी तौर पर अपनी पत्नी को एकमुश्त 10,00,000 रुपए भी दे सकता है। ये फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इस फैसले की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे दोस्तों कि बेटियों का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर किन किन कंडीशन में होता है और किन किन कंडीशन में नहीं होता है। सवाल नंबर 1, कि बेटी अपने फैसले लेने लायक कब हो जाती है? बेटा हो या बेटी, दोनों ही बालिग होने के बाद यानी कि 18+ होने के बाद अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र है कानूनी रूप से। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि किस आधार पर माना जाएगा कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया? जवाब है कि कोर्ट में पिता और बेटी दोनों की तरफ से रिश्ता तोड़ने का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। पिता लिखित या मौखिक तरीके से ये कह दें कि बेटी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, बेटी भी कोर्ट में स्वीकार कर लें कि वह अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तो इन तथ्यों के आधार पर ये माना जाएगा कि बेटी और पिता का दोनों का रिश्ता टूट चुका है। अच्छा, सवाल नंबर 3, कि क्या पिता अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर सकता है? इंडियन लॉ के मुताबिक एक पिता अपनी बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। कई बार ऐसा जरूर होता है कि पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेता, ऐसी स्थिति में पिता पर CRPC की सेक्शन 125 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। सवाल नंबर 4, पिता अगर मौखिक तौर पर यह कह दें कि मेरा अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या ऐसे कंडीशन में बेटी का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार बनता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये कि पिता रिश्ता आगे से खत्म नहीं कर सकता, ये काम केवल बेटी ही कर सकते हैं, यानी कि बेटी को ही अधिकार है। पिता रिश्ता तोड़ भी ले तो भी उसे अपनी बेटी को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी और बेटी का उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। अच्छा, एक और सवाल आता है कि क्या माता पिता का तलाक हो गया तो ऐसी कंडीशन में बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा? जी हाँ, पूरा अधिकार होगा, लेकिन इस
बात को ऐसे समझिए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल का कोई बच्चा होता है तो उसका पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना एक शादी के बाद पैदा हुए बच्चे का होता है। अगर माता पिता के अलग होने से बेटियों का अधिकार नहीं बदलता है, बशर्त वो अपने पिता से रिश्ता खत्म न करना चाहती हो, यानी कि तलाक होने के बावजूद भी अगर बेटी अपने बाप को एक बाप की तरह पिता की तरह समझती है, तो ऐसी कंडीशन में उस पिता की संपत्ति पर उस बेटी का पूरा अधिकार होगा। एक सवाल की किन परिस्थितियों में बेटी संपत्ति की वारिस नहीं होगी। सिर्फ दो परिस्थितियों में बेटी का अपने पिता की संपत्ति और पैसों पर अधिकार नहीं होता। पहला, जब पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को जगह न दी हो और पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या ट्रस्ट के नाम कर दें। दूसरा, जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया। इन दो ही कंडीशन में बेटी संपत्ति का अधिकार पाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा, सवाल नंबर 7, अगर पिता की मौत वसीयत लिखे बिना ही हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बेटा और बेटी को पिता की संपत्ति पर बराबर हिस्सा मिलेगा। सवाल नंबर 8, साल 2005 से पहले बेटी पैदा हुई है लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसका क्या होगा? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन तो 9 सितंबर साल 2005 में हुआ। कानून बना कि बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर बेटे की तरह बराबर हक होगा। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी कब पैदा हुई है, उसका पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की स्वार्जित हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटी किसी तारीख और साल में पैदा हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने पिता की संपत्ति पर तभी दावा कर सकती है जब उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हो। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हुई है तो बेटी का फिर पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं माना जाएगा। तो ये है फादर्स और डॉटर्स के बीच रिलेशनशिप और उनकी प्रॉपर्टी डिविडेंड को लेकर कुछ लीगल बातें, लीगल लॉ, कानून एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।